ओके सो हेलो गाइस, वेलकम टू रिंकू मधु ब्लॉग्स। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं एक और नए वीडियो लेके, जिसमें हम लोग आज ट्रैवल में जा रहे हैं। किधर गाइस? दीघा। तो गाइस, दीघा में हम लोग क्या क्या देखते हैं वो पूरी वीडियो में ज़रूर बताने वाले हम लोग। तो गाइस, देखते हैं किधर से क्या होने वाला है इस पूरी वीडियो में। बहुत ज़्यादा बड़ा ज़रूर नहीं है, मगर काफ़ी सारे पार्ट्स आने वाले हैं इस वीडियो के। तो गाइस, देखते हैं। इधर पहले हम लोग इधर ओल्ड दीघा पे एकदम सुबह सुबह ज़रूर पहुंच गए थे। एंड इधर चमचिला था, रश्मि तो नहीं था, लेकिन भाई जो मज़ा इधर हुआ भाई, एंड तेज़ हवा जैसे चल रहा था भाई, एकदम सुकून सा आ गया। तो गाइस, देख सकते हो लोग, अभी हम लोग एकदम दीघा के एकदम तट के ऊपर है। एंड इधर से पूरा सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। एंड यस, जिसका कोई अंत नहीं है वही हम लोग देख रहे हैं। ये विशाल समुद्र जो कभी भी एंड नहीं होता है। मगर इधर का पानी थोड़ा खराब ज़रूर है, मगर भाई एक मज़ा एकदम फुलटू किया हम लोग ने। तो गाइस, देख सकते हो अभी सुबह के सिर्फ 7:30 या फिर 8 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग बस पहुँचे थे एंड होटल भी बुक नहीं किए थे, तो इधर आए एंड ये देख रहे हैं। एंड देखने के बाद इधर से ज़रूर गए होटल बुकिंग के लिए। एंड जस्ट 1300 रुपीज़ का रूम लिया, दो रूम लिया था, क्योंकि इधर हम लोग सात जन आए थे। तो यस, इसके लिए दो रूम ज़रूरी थे। एंड मेरा बेटी भी था इधर, तो उनके लिए तो एक अलग सा स्पेशल रूम तो ज़रूरी था ही। तो गाइज यस, वो भी लिए हम लोग ने। एंड मज़े और वट फुल टू मज़े और वट भाई, और कुछ मैं बोलना नहीं चाहता इधर से। जो कुछ भी आप लोग देख सकते हो एकदम रियल भाई, सब कुछ इधर से। इधर मैं भी कैमरे में आ गया, कब आया ये मेरे को भी मालूम नहीं है। अभी स्क्रीन के ऊपर मनोज भाई थे थोड़ी देर पहले। एंड इधर जस्ट थोड़ा सा घूम रहे थे वो देखने के बाद। एंड इसके बाद भी गया था हम लोग होटल बुकिंग के लिए। एंड इधर से देख रहे हैं तट के ऊपर जो कुछ बहुत कुछ इधर बिगड़ गया था, मगर वो सब कुछ ठीक भी हो गया है बहुत ही जल्दी से। एंड वो सब कुछ ठीक करने में इन लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। वेस्ट बंगाल सरकार ने बहुत जल्दी इसका मेकअप किया। एंड ये लोग इधर पिक्चर लेने की सोच रहे थे, एंड गलत सीन हो गया उन लोगों के साथ। ये हम लोग का होटल था सन एंड सी, एंड इधर ही हम लोग ठहरे थे दो दिन के लिए। दो दिन का टोटल टूर था, दिन रात दो दिन का। एंड चेकआउट टाइम सुबह के 10:30 था, एंड चेक इन टाइम था 10 AM, मगर हम लोग उससे पहले ही घुसे थे क्योंकि दो रूम खाली मिल गया था हम लोग को। एंड इधर ही हम लोग ठहरे थे। इधर पानी का बोतल लेके ये बंदा क्या कर रहा है मेरे को मालूम नहीं है, मगर दिख गया कैमरे पे, दैट्स ओके। अभी घर के अंदर एकदम से मजे कर रहे हैं। अभी थोड़ा डांसिंग वैंसिंग देखने वाले हो आप लोग सनग्लास पहन के। न्यू दीघा पे हम लोग बस स्नान के लिए जाने वाले थे, तभी उसके पहले थोड़ा सा शर्मायक सीन इधर से मेरी बेटी तरफ से। एंड इधर यस, हाय हेलो कुछ बोल रहे थे, मगर वो साउंड इधर नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, ये भी मेरे को मालूम नहीं है, सचमुच मेरे को मालूम नहीं है। अभी इधर फिर से शर्मा रही है, ये अभी डांसिंग के मूड पे है मेरी बेटी। एंड बाबू सुना, अभी देख सकते हो गाना वाना नहीं बज रहा है, मगर फिर भी ये नाच रहे हैं, पता नहीं कैसे पब्लिक है भाई जिधर भी देखो नाचना गाना चालू कर देते, देखो उछल उछल के इसके बाद सीधा हम लोग अभी जाने वाले न्यू दीघा। एंड बस थोड़ा सा फुटेज है न्यू दीघा का, एंड वो सब कुछ ज़रूर दिखाएंगे। ये न्यू दीघा का फुटेज है। एंड इधर हाई बोलने के चक्कर में मेरा बीबी गिर गया था पहले ही, देख सकते हो। एंड उनका आवाज़ उधर से, किसी का आवाज़ नहीं आया, बस उनका आवाज़ इधर तक पहुंच गया एंड इधर सामने मेरी मम्मी, दो मम्मी इधर खड़ी है इधर, ये भी देख सकते हो आप लोग। एंड यस, प्रभाव थोड़ा ज़्यादा था इधर का। आसमान पे इधर बादल तो बहुत थे, मगर बारिश का एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा, क्योंकि इधर
जिधर हम लोग आए हैं इधर समुद्रों के अंदर भाई बहुत सारे पानी है, तो ऊपर से और कुछ गिनने का जगह नहीं है। तो गाइस ये वीडियो बस काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर आप लोग ने ये वीडियो एंजॉय किया थोड़ा सा। एंड मैं भाई हिंदी तो उतना अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता, मेरे को मालूम है, मगर फिर भी कोशिश करता हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो इसके लिए। मगर अगर पसंद आया होगा तो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टू बी कंटिन्यूड बॉयज़।